इस वीडियो में मैं आपको टू डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स, थ्री डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स के कुछ सम्स करवाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने वन डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट्स, वन डिजिट मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन के कुछ सम्स करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको 2×2 और 2×3 डिजिट्स के सम्स और बेहतर तरीके से समझ आ सकें। तो ले लेते हैं कुछ सम्स। तो दोस्तों, तीन सम्स लिख दिए हैं मैंने 2×2 डिजिट्स के, तो शुरू करते हैं। पहला सम है 49 मल्टीप्लाई बाय 37। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, पहले दोनों डिजिट्स को कंबाइन करके देखेंगे कि ये टोटल कितने डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4। तो सेंटर से हम फोर्थ रोड पर आएंगे, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ से ऑपरेशन शुरू करेंगे। पहले हम 49 में जो आउटर डिजिट है 4 को दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 4 को 3 से, फिर 4 को 7 से, जो कि अभी तक सेम है जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था। तो शुरू करते हैं। 4 3 12, 1 2 12। और जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम छोड़ेंगे वहीं पर हमें फिंगर प्लेस करके रखनी है अपनी। 4 को 3 से करा दिया, अब बारी है 4 को 7 से करवाने की। 4 7 28, तो 28 यहीं से ही शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने छोड़ा है। 2 8। दोस्तों, अभी तक बिल्कुल सेम है जितना मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1×2 डिजिट के सम में, कि सिंगल डिजिट को पहले दोनों से करवा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 9 को 37 से करवाना है मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराने के लिए जहाँ पर हमने छोड़ा है उससे एक रॉड पहले हम आएंगे और यहाँ से हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे इस रॉड से। पहली बारी में क्या किया हमने, 4 को 3 से और 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद जहाँ पर हमने लास्ट अपनी डिजिट को प्लेस किया है उससे सेकेंड लास्ट, उससे एक रॉड पहले आएंगे और वहाँ से हम ऑपरेशन स्टार्ट कराएंगे। यही डिफरेंस है सिंगल इंटू डबल डिजिट में और 2×2 डिजिट्स में, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो शुरू करते हैं। 9 × 3 27, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 ऐड होगा। यहाँ पर 2 ऐड करने के लिए 5 का कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और यहाँ पर 7 ऐड करने के लिए 10 का कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने छोड़ा है तो यहीं पर ही फिंगर प्लेस करके रखेंगे और अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63, तो 6 यहाँ ऐड करेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू और 3 आगे, तो आंसर आ गया 1 8 1 3। तो लिख देते हैं आंसर। क्लियर कर देते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट सम, 83 मल्टीप्लाई बाय 64। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, जब भी हम फर्स्ट डिजिट को इन दो डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लगातार जहां पर हम आंसर छोड़ रहे हैं वहीं से ही कंटिन्यू करना है। फिर जब सेकंड स्टेप में वंस प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक रॉड पिछला स्टेप पे जहां पर हमने आंसर छोड़ा होगा उससे एक रॉड पहले हमें आंसर स्टार्ट करना होगा। इस सम के थ्रू थोड़ी और ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी, तो ये सम करके देख लेते हैं। 83 मल्टीप्लाई बाय 64, 1 2 3 4। पहले 8 को 6 से और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 48, 4 8 48, यहाँ पर फिंगर रखे रखूँगा अपनी। फिर 8 को 4 से कराएंगे, 8 4 32, यहाँ पर 3 ऐड होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐड करने के लिए 10 का कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, -7 + 10, तो यहाँ 2 ऐड होगा। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर फिंगर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम जहाँ पर हमने अभी तक का आंसर छोड़ा है उससे एक रॉड पहले आएंगे और फिर यहाँ से अपना आंसर प्लेस करना शुरू करेंगे। 3 6 18, 1 8 ऐड करेंगे यहाँ पर, अब यहीं पर ही फिंगर रखे रखेंगे हम और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 1 2 12, तो आंसर आ गया 5 3 1 2। लिख देते हैं आंसर। क्लियर कर देते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट सम, 98 मल्टीप्लाई बाय 89, 1 2 3 4,
तो चार डिजिट्स हैं तो फोर्थ रोड पर आएंगे, और नाइन को पहले एट से और नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाइन एट ज़ा 72, सेवन टू फिंगर होल्ड रखेंगे, फिर नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 81। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम जहाँ पे अपनी एग्जिस्टिंग नंबर प्लेस किया उससे पहले वाली रोड पर आएंगे, एक रोड पहले आ जाएंगे, और फिर यहाँ से सेकंड स्टेप शुरू करेंगे, 8 को 8 से फिर 8 को 9 से कराएंगे। 8 ज़ा 64, 6 4, यहीं पे फिंगर होल्ड करके रखेंगे, फिर 8 9 ज़ा 72, यहाँ 7 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2, 7 ऐड करेंगे मिक्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू और 2 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आंसर आ गया 8 7 2 2, लिख देते हैं आंसर। दोस्तों कुछ और सम्स ले लेते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप भी वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ आंसर्स निकालें और फिर क्रॉस चेक करवा लें। तो दोस्तों आप पॉज कर सकते हैं, तब तक मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। चार डिजिट्स है, फोर्थ रोड पर आ जाऊँगा। 7 9 ज़ा 63, 6 3 फिंगर होल्ड करूँगा, 7 4 ज़ा 28, 2 8, एक स्टेप क्लियर हो गया मेरा। अब एक रोड पहले आऊँगा, अब मैं 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराऊँगा, 9 9 ज़ा 81, 8 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिंगर होल्ड करके रखूँगा, 9 4 ज़ा 36, 3 यहाँ ऐड करेंगे, 6 यहाँ, 3 यहाँ ऐड होगा और यहाँ 6, तो आंसर आ गया 7 4 2 6। क्लियर कर देते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आया होगा। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, 86 into 19, फोर्थ रोड पर आएंगे, 8 1 ज़ा 8, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगल में नहीं लिखेंगे, 0 8 लिखेंगे, 0 8 फिंगर होल्ड करके रखूँगा, 8 9 ज़ा 72, 7 ऐड करेंगे और 2 ऐड करेंगे। तो दोस्तों एक स्टेप क्लियर हो चुका है। अब मैं जहाँ पर अभी तक आंसर प्लेस किया उससे एक रोड पहले आऊँगा, मैं 6 से शुरू करूँगा, 6 1 ज़ा 06, 06 फिंगर होल्ड करके रखूँगा, 6 9 ज़ा 54, 5 4। दोस्तों आंसर आ गया 1 6 3 4, उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। लिख देते हैं आंसर। क्लियर कर देते हैं, लेते हैं लास्ट सम, 58 into 71, फोर्थ रोड पर आऊंगा, 5 7 ज़ा 35, फिंगर होल्ड करके रखूंगा, 5 1 ज़ा 05, 05। अब सेकेंड लास्ट रोड पर आऊंगा, 8 को 7 और 1 से कराएंगे, 8 7 ज़ा 56, 5 6 फिंगर होल्ड करके रखूँगा, 8 1 ज़ा 08, 08। तो आंसर आया 4 1 1 8। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह हमने 2 into 2 digits के सम्स एबेकस पर सॉल्व कर लिए। अब मैं 3 into 2 digits के कुछ सम्स ले लेता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए। दोस्तों ये 3 सम्स लिखे हैं मैंने 3 into 2 digits के, इनमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 3 and 2 टोटल 5 डिजिट्स हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, 3 and 2 टोटल 5 है। तो फिफ्थ रॉड पर आएंगे सेंटर से, 1 2 3 4 5, अब शुरू करेंगे, इस 9 को पहले 3 और 6 से कर लेंगे, फिर उसके बाद इस 7 को 3 और 6 से, फिर 9 और 9 को 3 और 6 से शुरू करते हैं। 9 3 ज़ा 27, 2 7 27, यहीं पर इसी रॉड पर फिंगर होल्ड करके रखिए। अब 9 को 6 से कराएंगे, 9 6 ज़ा 54, 54। तो दोस्तों एक स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अब स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, एक रॉड पहले आते हैं, एक रॉड पहले आ जाते हैं, यहाँ पर फिंगर होल्ड करके रख लेते हैं। अब हम 7 को 3 और 6 से कराएंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ऐड कराएंगे, अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 6 ज़ा 42, तो 4 2। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। और स्टेप कंप्लीट होने के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक रॉड पहले आ जाते हैं, अब हम 9 को 3 और 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 3 ज़ा 27,
तो 2 यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ पर 7 ऐड करेंगे। फिंगर होल्ड करके रखूँगा, अब मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, 9 6 54, यहाँ 5 ऐड कर दूँगा और यहाँ 4। तो दोस्तों आंसर आ गया 35244। लिख देते हैं आंसर 35244। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर आप क्रॉस चेक करवा लेना। 786 × 53, 5 डिजिट्स है टोटल, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रॉड पर आया। 7 5 35, 3 5 35, फिंगर होल्ड करके रखूँगा जब तक मेरा स्टेप 1 कंप्लीट ना हो जाए। 7 3 21, 2 1। दोस्तों स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं एक रॉड पहले आऊँगा, अब 8 को 5 से और 3 से कराएंगे। 8 5 40, 4 यहाँ ऐड करूँगा और यहाँ 0। और अब मैं 8 को 3 से कराऊँगा, 8 3 24, 2 4। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, एक रोड पहले शिफ्ट हो जाऊंगा, फिंगर होल्ड करके रखूंगा। अब लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप करेंगे, 6 को 5 से और 6 को 3 से, 6 5 30, 3 0, होल्ड करके रखूंगा। अब 6 3 18, 1 8 18। तो दोस्तों आंसर आ गया 41658। उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। क्लियर कर देते हैं, आ जाएंगे फिफ्थ रॉड पर। 6 9 54, 5 4 54, 6 8 48, 4 8 48, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 के लिए हम एक रॉड पहले आएंगे, यहाँ पर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, यहाँ 4 ऐड कराएंगे और यहाँ 5 ऐड करेंगे। अब 5 8 40 करेंगे, यहाँ 4 ऐड करेंगे और यहाँ 0। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों, आ जाएंगे इस रॉड पर। 8 9 72, 8 9 72 होता है, 7 यहाँ ऐड करेंगे, 2 यहाँ, 7 ऐड करने के लिए यहाँ पर मिस कॉम्प्लीमेंट कर लगाएंगे और यहाँ पर 2 होल्ड करके रखेंगे फिंगर। 8 8 64, यहाँ पर 6 ऐड करेंगे और यहाँ 4। तो दोस्तों आंसर आ गया 64484। लिख देते हैं आंसर, उम्मीद है आपका भी यही आया होगा। और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे 2 × 2 और 2 × 3 डिजिट्स हम अबेकस पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सच में पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आपको लगता है किसी को अबेकस में मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। इन सम्स के बेसिस पर मैं प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग basidu.com पर जाकर उन प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अबेकस की कुछ अच्छी बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी हैं, अगर आप चाहें तो उन बुक्स को भी मंगा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 3 × 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन सम्स के साथ।